जय किसान जय संविधान। माननीय अध्यक्ष जी आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद। जब तक दुखी रहेगा किसान तब तक ये देश महान नहीं बन सकता। माननीय अध्यक्ष जी आज भी देश का प्रदेश का किसान अपने खेतों की रखवाली और पैदावार बढ़ाने के लिए ठंड में बरसात में सूखे में बाढ़ में बिजली कटौती में नहर बंद होने में तमाम तरह की समस्याओं को झेलने के बाद भी अन्ना सार पशुओं से बचाने के लिए साल भर अपने खेतों की रखवाली करने के लिए मेहनत करता है। मेरा जो और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है किसान खाद के लिए बेचारा परेशान रहता है, MSP की गारंटी के लिए अपने हक और अधिकार तुम्हारे प्रश्न में अन्ना जानवर कहां से आ गए, लड़ाई लड़ने वहां भिड़ाकर जानवरों पे। मेरा मानवर ये निवेदन है जो मैं कहना चाहूँ माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि जो सवाल का जवाब देंगे कृपया मेरे हाथ जोड़कर पूछो पूछो पूछो। 2017 के बाद दीजिएगा, 2017 के बाद मचे। पहले मेरा पूरक मानवर इस देश के अन्नदाताओं के भाग्य विधाता, अन्नदाताओं के भाग्य विधाता भारत रत्न स्वामीनाथन जी ने कहा था कि अगर हम चाहते हैं आप मुझसे बात करिए डायरेक्टली, भारत रत्न आप जो मुझे कहेंगे मैं करने। स्वामीनाथन जी ने ये कहा था और उनकी सिफारिश थी कि कृषि पर आधारित जीविकोपार्जन करने वाले किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए और उन्होंने कहा था कि किसानों के लागत मूल्य में 50% जोड़कर किसानों को MSP देने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि C250 अर्थात जो उनको लागत मूल मिले MSP मिले उसमें उस परिवार की मजदूरी मिले। क्या उस नियम के आधार पर माननीय स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे कि नहीं? मेरा पहला अनुपूरक। दूसरा मानव अनुपूरक है माननीय अध्यक्ष जी, जब किसान खाद बीज कीटनाशक और कृषि यंत्र खरीदता है तो उत्तर प्रदेश का किसान 18 से 28% GST देता है। तो मेरा जो दूसरा अनुपूरक है कि क्या जो किसानों का समर्थन मूल्य आप देंगे उनकी जो फसलों को खरीदेंगे उसमें 18 से 28% GST जो खाद पर अन्य उपकरणों पर देता है क्या उसको जोड़कर आप समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और तीसरा मेरा जो अनुपूरक मानवक दो अलाउड है, DAP और यूरिया की फिर से किल्लत आने वाली है। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि हर साल समस्या होती है, ऐसी कोई नियम बना लें कि DAP और यूरिया के लिए किसानों को विचारों को परेशान हो। और आखिरी मानवर आपके आखिरी समाजवादी सरकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बनेगी, किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज पूरा माफ करेंगे कि नहीं माफ करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ये लास्ट वाला ठीक था, माननीय अध्यक्ष जी संविधान की तो ये जो जिस तरीके से जय करते हैं ये लोग ये आपको मालूम ही है। इन लोगों ने आज इनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ ये लोग बैठे हैं। मैं उस समय मंत्री जी पर्याप्त है जान, मैं उस समय खुद DIR के भीतर था जब कांग्रेस की सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, अरे नहीं नहीं अरे आप मुंबई से निकाल दिया गया मोना जी, ये हल्ला अनुचित है, ये प्रकरण और संदर्भ दोनों से बाहर है, ये प्रकरण और संदर्भ से बाहर है। सवाल का जवाब दे, अगर धज्जियां उड़ाने की बात आई थी मानव तो बहुत सारे प्रकरण को मोना जी मेरी बात सुनिए, ये इशू मेरा निवेदन सुन लीजिए, शुरुआत ही वहां से करी ना, शुरुआत ही जय संविधान से करी, तो जब संविधान से शुरुआत करी इस प्रश्न में तो कोई संविधान का विषय था नहीं, इस प्रश्न में तो कोई संविधान का विषय था नहीं। इसको निकाल दे कर रहा है, मैं आपसे अनुरोध करती हूं माननीय, देखिए इसमें मंत्री जी अगर कहेंगे कि उनको निकाला जाए तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि कोई ऐसा उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने शुरुआत ही संविधान को लेकर करी, कहा कि संविधान को मानते नहीं है मान्यवर, उनका सवाल किसान से संबंधित है उसका जवाब दे। इस किसान से संबंधित है, संविधान को कहां से ले आए थे? चर्चा करा लीजिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ माननीय मंत्री जी का, उसको निकाल दिया जाए कार्रवाई से।
यदि मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, यदि अनिल प्रधान जी ने संविधान के बारे में नारा लगाया होता तो शायद मुझे अभी बोलने का अवसर नहीं था। लेकिन मैं ये चीज साफ करना चाहता हूँ कि 1975 में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था। जी जी हाँ, ये ऐसे बोल दिए ना, इस तरीके से बोल दिए। समय की सरकार ने, उनके दबाव में हमें वाइस चांसलर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिस्ट्रिकेट कर दिया था फॉर एवर के लिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उस समय विपक्ष की नेता की भूमिका में थे और मेरे चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी के साथ 1977 में मंत्री भी रहे। वो सहकारिता मंत्री थे, मेरे चाचा जी ऊर्जा मंत्री थे। लेकिन 77 के पहले इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसके साथ ये इंडी गठबंधन करके आज खड़े हैं, उन्हीं लोगों ने उनको जेल में भेजा था। और मुझे दुख है कि आप वहां पर उत्तर पे आ जाइए। अब मैं आता हूं जय जवान पर। जय जवान जय किसान, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जय अनुसंधान। जय विज्ञान जोड़ा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से फसलों को उन्नतशील बीज मिल सके इसके लिए अनुसंधान की बात किया। तो जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, विज्ञान और अनुसंधान को जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब मैं बताता हूं। अब उत्तर पे आ जाइए। अब आपने जो प्रश्न किया स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, यद्यपि इस प्रश्न से वो मूल प्रश्न से नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की को गठन करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और 2006 में यूपीए की सरकार आ गई और उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 2006 से लेकर के 2014 तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कूड़े में डाली गई और उस पर धूल जमा हुआ, जिसके साथ आप बैठे हुए हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को उसमें से 90% तक यदि किसी ने पूरा किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और इसी के कारण मैं दोहराना भी चाहता हूं, आपके सामने उसके तथ्य भी रखना चाहता हूं। हम लोगों ने जो प्रयास किया जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे और उसके पहले जो यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में एमएसपी धान की थी 1310 रुपए 2013-14 में और गेहूं की एमएसपी थी 1400 रुपए। मोदी जी ने जो एमएसपी तय किया वह मोदी जी ने, हाँ बता रहा हूं, आपने पूछा, जवाब दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है। ए श्रीमान अनिल कुमार है जी, ये नहीं, आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं इनको इंगित करता हूँ, बाहर निकाल, अनिल प्रधान को इंगित करता हूँ। ये तरीका आपको बात करने का, ऐसे बात क्या करें, इनको मैं इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर चलिए। ये तरीका बात करने का, ऐसे बात करेंगे आप विधानसभा में किसी के साथ? ये कोई तरीका है? इसको कौन जस्टिफाई करेगा आप लोगों में से? ऐसे ये कोई तरीका है? कौन सी ऐसी बात कह रही है जो गैर संवैधानिक थी? आपने देखा हमको कैसे बात कर रहे थे? मैं आपको दिखाऊं? जितने लोग बैठे हुए उनमें से किसी एक आदमी को खड़ा होकर कह दे कि ये कोई तरीका था, ठीक था तो मैं मान लूंगा। आप आगे बैठे हुए, आपको नहीं मान है तो निकाल दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका था?
आप ऐसे बात करेंगे किसी के साथ, मंत्री के साथ? नहीं, विषय ये नहीं है। माननीय महबूब जी, आप गलत को जस्टिफाई नहीं करिए, मेरा आपसे निवेदन है। आप आगे बैठे हुए थे, उन माननीय सदस्य के पीछे जितने भी सदस्य बैठे थे, कोई एक आदमी उसको जस्टिफाई कर दे कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे? कोई एक आदमी जस्टिफाई कर दे? आप भी आगे बैठे थे, कोई एक आदमी जस्टिफाई कर दे? आपके बीच में से ही जस्टिफाई कर दे तो मैं उसको मान लूंगा। कोई तरीका बात करने का ना, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। विधानसभा अच्छी तरीके से चलेगी, गलत तरीके से नहीं चलेगी। आ जाओ मनीष, मनीष हो गया। ये कोई तरीका नहीं है। आप वो हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, 403 सदस्यों की मैं बात कर रहा हूं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको कड़वी बात कहने का अधिकार है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन ये आप एटिकेट्स हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप किस तरीके से और जिस तरीके से उन्होंने बात करी है। एक आदमी जस्टिफाई कर दे पीछे से तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। बच्चा है, पहली बार आया बच्चा, तो कब तक बच्चा रहेगा? और चुन कर आया भी बच्चा, जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, माननीय प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद सईद इरफान। आपका दिल बहुत बड़ा है सर। नहीं नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन विधानसभा ऐसे चलेगी क्या? गलती करते हैं, बड़े माफ करते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का परसेप्शन बदलने के लिए। सर आप बिल्कुल सही, मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नफा नुकसान नहीं। अपना भी तो ख्याल रखिए, उनको बुला लीजिए, लेकिन आगे से अगर कोई सिफारिश करेगा तो मैं उसको भी कह दूंगा सदन छोड़ने। मोहम्मद सईद इरफान, आगे से तो आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण अलमबदी साहब जो बात खड़े होकर कह देंगे वो मान ली जाएगी, लेकिन उनको पता भी होना चाहिए कि मैंने ये बात कही है। माननीय अध्यक्ष, आप अध्यक्ष है तब से सुप्रीम है, तरीकों को उल्लंघन तो बहुत होते हैं, सबको आप माफ करते हैं, इसको भी माफ कर दीजिए। कर दिया, कर दिया, कर दिया, लेकिन आगे से गलती नहीं। भैया अगला प्रश्न ले लिया, अगला प्रश्न क्या? सही मोहम्मद पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप